जयकारा शेरां वाली दा बोल साचे दरबार की जय। शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, माता वैष्णो देवी जी की जो पवित्र छड़ी यात्रा है, 37वीं जो यात्रा लेकर हम जा रहे हैं कठुआ के अंदर से, और मुझे 25 साल हो गए जो मुझे इंचार्ज बनाए हुए पवित्र छड़ी यात्रा का, जो छड़ी कठुआ से निकलती है, हम इस छड़ी को लेकर माता आशा पूर्णी मंदिर जाते हैं। छड़ी स्नान होता है, उसके बाद पूरे बाजार का राउंड होता है, उससे राउंड के बाद होटल टांगरी होटल में इनका खाने का प्रबंध किया जाता है। फलवार वाले जो व्रत वाले लोग हैं उनके लिए फलवार यहाँ पे होती है, और हमें 25 साल से ये जो पवित्र छड़ी यात्रा लेके जा रहे हैं, आज तक शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से पवित्र छड़ी यात्रा की तरफ से कोई चंदाग्राही नहीं की गई। पिछले कल मुझे फोन आए, 8 इंडस्ट्री वालों के फोन आए कि शिवसेना के कुछ लोग आए हैं पवित्र छड़ी यात्रा के नाम पे चंदा करा रहे हैं। बताइए आपने इनको भेजा है या नहीं भेजा? और वहां पे एक इंडस्ट्री वाले को उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि जो शिवसेना की हमारी पवित्र छड़ी यात्रा जा रही है, आपको चंदा देना ही पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो आपकी फैक्ट्री बंद करवा देंगे, आपकी लेबर को भगा देंगे यहाँ से। मैं कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जाए, और शिवसेना के नाम पे कोई चंदा नहीं देगा। मैं सभी इंडस्ट्री भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि शिवसेना की जो पवित्र छड़ी यात्रा है इसके नाम पे कोई चंदा ना दें, क्योंकि पवित्र छड़ी यात्रा के नाम पे कोई चंदाग्राही नहीं होती। कठुआ के अंदर से मुझे 25 साल हो गए लेके जाते हुए छड़ी यात्रा, हमने किसी से कोई चंदा नहीं मांगा। वो अपना हर बंदे का एक अपना नियम होता है, जैसे हमारा शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से 13 मेंबर कमेटी के बनाए गए हैं, उसने जो पवित्र छड़ी यात्रा का नाश्ते का इंतजाम यहाँ कमेटी जो है वो ही करती है, हर साल वही करती है, आज से 25 साल पहले भी वही करती थी, आज भी वही करती हैं। मैं अपने जितने भी इंडस्ट्री के भाई हैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार या कभी भी शिवसेना की जो पवित्र छड़ी यात्रा है इसके नाम पे कोई चंदा ना ही देगा। और मैं अपनी गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहता हूँ, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन करना चाहता हूँ कि नवरात्रों के अंदर हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर व पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो जो मीट की दुकानें हैं ये टोटल बंद रहनी चाहिए, चाहे चेतावनी समझो चाहे हाथ जोड़कर विनती समझो, क्योंकि अगर नवरात्रों के अंदर जो अगर मच्छी की दुकानें या इसकी मीट की दुकानें खुली होंगी तो शिवसेना इनको बख्शने वाली नहीं है। और कठुआ के अंदर साफ सुथरा सफाई होनी चाहिए, और पता चले हमारे कठुआ वासियों की इस बार नवरात्र जो है बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। और मैं सभी निवेदन करना चाहता हूँ सभी अपने कठुआ वासियों को, गांव वासियों को, कि हमारे साथ पवित्र छड़ी यात्रा के में शामिल हों और माता वैष्णो देवी जी के चरणों में जाएं और आशीर्वाद पाएं। जय माता दी।